नवरात्रों में माँ दुर्गा के देवी स्वरूप की पूजा की जाती है, वहीं लोग अष्टमी और नवमी को कन्या पूजा करते हैं। पूर्व दिल्ली के झिलमिल वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निगम पार्षद पंकज लूथरा ने नवमी के दिन 5100 सुकन्या का पूजन किया। इस पूजन में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, घर हो या बाहर उनकी हमेशा ही पूजा करनी चाहिए। वहीं निगम पार्षद पंकज लूथरा ने कहा कि मैं यहां पिछले 9 साल से कन्याओं को पूजन कर रहा हूं। पहले साल 100 कन्या से शुरू किया था, आज 5100 कन्या का पूजन तक पहुंच गए हैं। इस पूजन से मन को बहुत ही शांति मिलती है। समाज में कन्या और नारी का सम्मान एवं पूजन किया जाना चाहिए। दिल्ली से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। किस तरह से आपके मन में आया कि ये आयोजन करना है? देखिए, मैं आयोजन काफी वर्षों से कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी के माध्यम से सभी देशवासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह कन्या पूजन मैं काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ। सबसे पहला कन्या पूजन मैंने 101 कन्या किया था, फिर मैंने संख्या बढ़ाई, 501 करी, फिर संख्या बढ़ाई, फिर 1100 करी, फिर 2100 करी, फिर 3100 करी, इस बार 5100 कन्या का पूजन हमने किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु राम का, उनका आशीर्वाद जो मुझे प्राप्त हुआ। कन्या क्यों जमाते हैं? कन्या भारतीय वैदिक संस्कृति का वो महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कन्या जमाकर हम कन्याओं के चरण धोकर उनकी पूजा करते हैं ताकि हमारी कुल दृष्टि उन पर ना पड़े, क्योंकि जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। कन्या से पूजन बड़ा इससे हो नहीं सकता, ये सौभाग्य मुझे हर वर्ष प्राप्त होता है। हर कन्या को एक एक जूस, एक एक फ्रूटी का पैकेट, एक एक लेस का पैकेट, एक एक चॉकलेट का पैकेट, एक एक बिस्कुट का पैकेट और सभी कन्या को 100-100 रुपये देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना हर वर्ष, ये मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। मुझे ऐसा सौभाग्य हर वर्ष प्राप्त होता है। कितने साल हो गए आपको इस कार्य को? मुझे 8 से 9 साल हो गए इस कार्य को लगातार करते हुए। इस साल भी आप देख रहे हैं सारी कन्याएं, माताएं अपने बच्चों को लेकर मुझे आशीर्वाद देने आई हैं और यही सी आशीर्वाद से हमारे सनातन धर्म तो बढ़ता ही है और हमारे बच्चों में जागरूकता जाती है कि धर्म को बचाना ही, इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता। देखिए, ये कन्या हमारी पूरी शाहदरा विधानसभा से आती हैं, वार्ड से भी आती हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी माँ बाप का जो मेरे एक आह्वान पर सभी कन्याओं का पूजन कराने हमारे यहाँ पर लेते हैं और हमें कन्या का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है। शुभ अवसर है आज नवरात्रि का और आज इस अवसर पर झिलमिल वार्ड के हमारे पार्षद पंकज लूथरा ने 5100 बच्चियों का पूजन रखा है। मुझे भी ये सौभाग्य मिला कि मैं बच्चियों का पूजन कर सकूं। और सही मायनों में ये भाव बहुत अच्छा है कि बेटियों का मान सम्मान करना, उन्हें आगे बढ़ाना, तो माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी थीम पर ये कार्यक्रम रखा है। बेटियों का सम्मान हो रहा है, उनको पूजा की जा रही है, उनको समाज के बारे में बताया जा रहा है। मैं पंकज लूथरा उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियां घर में हो, बाहर हो, समाज में किसी भी पद पर है। 5100 कन्याएं पूजने का इन्होंने लक्ष्य रखा है और अभी हमने शुरुआत कर दी है। मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम का भाव बहुत अच्छा है, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि बेटियां जो है आज देश का नाम रोशन कर रही हैं और इन्हीं में से कल का भविष्य निकलेगा, इसलिए बेटियों का सम्मान घर में भी हो बाहर भी हो, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।